ना उसको नजर से पैदल अगर चलेंगे लगभग 100 मीटर आगे तब दरगाह में मिल जाएगी। पहले तो गुड मॉर्निंग आप सबको। अभी अभी मैं यहाँ हूँ उदयपुर से। हम लोग 120 किलोमीटर आगे निकल चुके हैं। हम 5 बजे करीब में निकल गए थे रूम से और सोचा था कि चलो यार 5 बजे निकल चलते हैं कि आगे अगर रुकना होगा तो आगे 2-3 जो जगह अच्छी खासी जगह जहाँ पे घूम सकते हैं वहाँ पे घूम लेंगे। तो अभी प्लान बनाया कि चलो यार निकल चलते थे। तो उसी समय प्लान बन गया, रात में खाना खाने के बाद प्लान बना कि यार चलो निकलते, रात में ही खाना खाने के बाद प्लान था निकलने का। फिर बोला मैंने कि नहीं 2-3 घंटे सब रेस्ट कर लेते हैं फिर निकलते हैं। 5 बजे हमने निकल लिया। बाकी हम अभी रुके हैं कहीं तो भी एक मिलन रेस्टोरेंट करके है भोजनालय, वहाँ पर रुके हैं। मैं तो बस गाड़ी में 5 बजे आया था, बैठा सो गया प्रॉपर, क्योंकि मैं रात में सोया नहीं था। 4 बजे करीब मैं सोया था, 1 घंटे में सोने दिया इस हमने, 5 बजे उठ गया था। सुबह 5 बजे के बाद जितना देर मैं सो रहा ये हमें सोने नहीं दिया, चिल्ला चिल्ला के। पता नहीं गाड़ी में आगे बैठ क्या कर रही थी। तुम सो के दिखा दो भाई, मैं सोऊंगी। हाँ तू सो के बस दिखा दे, दिखाओ इसको। देखो महादेव बस वो अपनी गाड़ी खड़ी है, दूसरी वाली गाड़ी तरुण वाली गाड़ी, वो लोग अभी तक सोए ही थे। उन लोगों का प्लान तो ये था कि हम 1-2 दिन यहाँ जयपुर में या अजमेर में रुक के फिर आएंगे। ऑफिस भी ज़रूरी है और घूमना भी ज़रूरी है, तो दोनों को अपने बैलेंस करके चलना पड़ता है। और बॉडी ऐसा रहना, पूरी बॉडी जवाब देने लगी है अब। एक तो गाड़ी में बैठ के सफ़र करना, उसके बाद पूरी रात जगना, पैदल घूमना, ये सारी तो इतनी आदत रही नहीं हमारे हम लोगों की। पहले अब वो ना पहले तो दिन भर क्रिकेट खेलते थे, अब ऐसा कुछ है नहीं, तो बॉडी हम पूरी थक चुकी है। बट अभी भी अंदर से मन है कि नहीं हमें ये भी करना है, ये भी कर लेते हैं, फिर पता नहीं कब आएंगे कब नहीं आएंगे। सुबह सुबह का नाश्ता अपना पोहा, विवेक सिंह और वो उधर तीनों सबके पोहे आ गए हैं। भैया बस चाय बना रहे हैं, बस चाय देते हैं, उसके बाद अपना नाश्ता हो जाएगा कंप्लीट। राजस्थान में आके अभी तक हम लोग उदयपुर में घूम लिए और फिर घर को भी निकल रहे हैं, और अभी तक दाल बाटी भाटी बोल रहे हैं यार, दाल बाटी चूरमा हमने नहीं खाया यार, बहुत गलत बात है ये। चलिए ओए ओए कैसा निकालना मैंने कहा। हम लोग अभी अमरूद ले रहे भैया से 100 रुपये में 1.5 kg, उसको ले लेते हैं, नमक वमक लगवा के गाड़ी में रख लेंगे, फिर आराम से धीरे धीरे खाते रहेंगे और चलते रहेंगे। इस जगह का नाम है ब्यावर, नाम देख रहे हो कितना अच्छा है ब्यावर। हम लोग बिहार में ब्यार बहता है, ब्यार मतलब होता है ना कि पुड़वा ब्यार या पछिया ब्यार, ऐसे सुने होंगे बहुत लोग, उसको बोलते हैं ब्यार। और यहाँ पे ब्यावर जगह का नाम सिमिलरिटी। एक स्लाइस खा लेते हैं, मस्त ऐसा लग रहा है कि इधर कहीं कोई खाट उट लगा दे और बस हम लेट जाए उस पर सो जाए। पीछे हम 3 आगे 2, एक ड्राइवर कुंदन जी और विवेक सिंह जी। इतना रिस्पेक्ट दे रहा हूँ विवेक तुमको, देखो ठीक है। अभी अजमेर शरीफ दरगाह पे चल रहे हैं, हाईवे से 14 किलोमीटर बस दूर थी, सब चल रहे अजमेर शरीफ दरगाह पे, वहाँ दर्शन कर लेते हैं, थोड़ी मन्नत वन्नत मांग लेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग यहाँ से पुष्कर, पुष्कर भी जाएंगे, वहाँ भी मन्नत वन्नत मांग लेंगे। ये है अजमेर का मार्केट, लोकल मार्केट, उधर जिसके पीछे है रेलवे स्टेशन अजमेर। ठीक ठाक जगह है वैसे, पहली बार हम आ रहे हैं, वही चलते हैं पहले दरगाह पे। भैया दरगाह पे चले जाइए, दरगाह पे। दरगाह इधर कहाँ जा रहे हो? पीछे पीछे कर, पीछे कर, गलत रास्ता है, घुमा ले घुमा। गाड़ी पार कर दिया हमने, अब चल रहे हैं दरगाह की तरफ। कितना दूर है यहाँ से दरगाह? 200 मीटर। ऐसे ऐसे तंग गलियों से होके हम गुजर रहे हैं, इतना संग्रह यार ऐसे। और गाड़ी वाली से जो लोग आए वो तो पहुंच ही ना पाए, गाड़ी तो आएगी नहीं, इतनी दंगल है, पार हो जाती दो गाड़ी। हाँ छोटी वाली गाड़ी आ सकती है अगर आ रही चाहे तो, ये ऐसा ही एयर रिक्शा है बस। हाँ रिक्शा ही आ सकती है बस, या बाइक छोटी चाहती है तो। यहाँ से आगे ई रिक्शा नहीं जाएगी, दरगाह बस आगे 2 मिनट की पैदल दूरी पे। हाँ भैया आते जाते रहते हैं, यहाँ से पैदल अब चलेंगे लगभग 100 मीटर आगे तब दरगाह में मिल जाएगी। और ये सारे गली में शॉप है, रुमाल लेना है रुमाल ले लो, चूड़िया इधर, ये सारे शॉप है।
रौनक है गली में पूरा, कंजेस्टेड पतली गली है बट शॉप दोनों साइड, इधर चाय भी बन रही है, ये मिठाई की शॉप। विवेक कहाँ है? अंदर तक उसका आ जा, चादर भी आ गया, हम तो चादर भी चढ़ा देंगे और मन्नत भी मांग लेंगे। पीछे हो रही है, हम यहाँ बैठ के 10 मिनट कव्वाली एंजॉय कर लिए, अंदर दर्शन भी कर लिए, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ से अब फिर पुष्कर पे जाना, इस वजह से हम अपने यहाँ से निकल रहे हैं। चले हो गया, हम लोग दर्शन अच्छे से कर लिए, अब यहाँ से निकलते हैं फिर, क्योंकि हमें दिल्ली पहुँचना है एनी हाउ रात तक कैसे भी करके। यहाँ से भी दिल्ली हमें कितना होगा, 400 कितना किलोमीटर है यहाँ से, 420 किलोमीटर अभी भी है यहाँ से यार, कैसे भी आराम चलना। उसके बाद अभी पुष्कर में भी रुकना है, पुष्कर में आधे घंटे रुकना ही पड़ेगा, वहाँ पर मंदिर में जाना है, तो जितना हो सके उतना हम कवर कर रहे हैं और उसके लिए उसके बाद हम निकल जाएंगे दिल्ली को। हमने दर्शन तो कर लिया और दर्शन करने के बाद दो चीज़ ऐसे हुई है ना, किन्नी का जो पैर में दर्द था, जो मूँछ आ गई थी हल्की सी, दर्शन करने के बाद हम जब बाहर निकले गए थे तो किन्नी बोली और मेरे पैर का दर्द ठीक हो गया, और मुझे इतनी थकान लग रही थी ना, इतनी नींद आ रही थी मतलब, और पैर के नीचे इतना कम चल रही था, इतनी पेन हो रही थी चलने पे, वो सारी दर्द गायब हो गई। और एक और ख़ास बात आपको बताई थी जो मैंने रिकॉर्ड किया था और उसके बाद फिर पता नहीं जब मैं देखा तो था ही नहीं, डिलीट हो गया था शायद। ये जो डिग्गी चौक है, आप डिग्गी चौक पे आओगे आप, क्योंकि वहीं से आप अंदर जाओगे डिग्गी चौक पे आओगे, तो डिग्गी चौक पे एक अच्छी सी मस्त मंदिर है, डिग्गी चौक मेन डिग्गी चौक पे एक मंदिर है और वहीं से आप उसके अंदर ही जाओगे तो फिर अजमेर शरीफ दरगाह पे जाओगे। यार सोचो कि एक मंदिर भी है मस्जिद भी है। ये आ गए हम अजमेर जंक्शन पे, जंक्शन देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है इसे, यहाँ राजस्थान में हर चीज़ ना, जंक्शन हो कोई भी गवर्नमेंट चीज़ हो या फिर लोग प्राइवेट चीज़ हो, तो प्राइवेट चीज़ या गवर्नमेंट चीज़ लगभग ऐसे ही बनाते हैं ना कि विंटेज टाइप लगे, महल टाइप। ये भी पूरा जंक्शन देख रहे हो, पूरा महल टाइप लग रहा है।